सुनो एक बात आपके काम की मैं बता दूं, आप लोग अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना लायक बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें पिता के धन की जरूरत बिल्कुल ना पड़े, मां के धन की जरूरत बिल्कुल ना पड़े, केवल मां बाप के आशीर्वाद की जरूरत पड़े। आप जितने नौजवान मेरे बच्चे दोस्त भाई बैठे हो, मैं आपसे एक बात पते की बताऊं, आप अपने आप को इतना काबिल बनाना, इतना योग्य बनाना, इतना टैलेंटेड बनाना कि आपको पिता के सामने भी हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े कि पिता ये संपत्ति आप मुझे दे दो। आप में इतनी काबिलियत हो कि आप इतनी बना लें कि पिता से एक रत्ती लेने की जरूरत ना पड़े। आप अपने बल पर तैयार करो, अपनी मेहनत से घर बनवा लो, अपने मेहनत के बल पर, अपने काबिलियत के बल पर गाड़ी खरीद लो, अपने बच्चों की फीस अपनी काबिलियत के बल पर भर लो और अपने समाज में अपना नाम अपनी काबिलियत के बल पर करो। यदि आपकी पहचान आपके पिता से है तो आप दो कौड़ी के बच्चे हैं। यदि आपको आपके पिता के कारण जाना जाता है तब तो आप असफल बच्चे हैं। सफल वो है पिता के कारण मुझे ना जाना जाए, बल्कि मेरे दोस्तों अपने आप को इतना सफल बनाओ कि आपकी सफलता के कारण आपके पिता को लोग जाने के ये फलाने के पिता है। आपके कारण आपके पिता का सर गर्व से ऊंचा होना चाहिए। पिता की पहचान आप लेके घूम रहे हो, ये आपकी काबिलियत थोड़ी है। ये तो तुम्हारे बाप की काबिलियत थी कि तुम्हें खाने को रोटी मिल रही है, वरना तुम्हारे अपने तो इतने भी गुण नहीं है कि तुम्हें दो रोटी मिल जाए। तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर क्यों पलते हो तुम? मुझे वो लड़के, मुझे वो नौजवान दोस्त अच्छे नहीं लगते जो बाप के टुकड़ों पर पलते हैं। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो सेल्फ डिपेंड हैं, स्वयं के पांव पर खड़े होकर परिवार की सेवा कर रहे हैं, पिता की सेवा कर रहे हैं, मां की सेवा कर रहे हैं। बच्चों की फीस खुद के पैसों से भरो। पापा पापा पिताजी, ओ बच्चे की फीस भरना पैसा, जब तुम्हारी औकात बच्चों की फीस भरने की नहीं थी तो पैदा काय को कर लिया खिरका। इतने सारे बाप से मांग मांग के फीस भर रहे हो तुम, काहे पैदा कर लिए इतने सारे? पहले काबिल बनो, पहले योग्य बनो, इतने योग्य बन जाओ कि आपको पिता से भी मांगने की जरूरत, क्यों जी बताओ, पिता से मांगने वाला बेटा अच्छा है या पिता को कमा कमा कर देने वाला बेटा अच्छा है? बोलो, मांगने वाला अच्छा है? अरे मांगे से मरना भला, छोटे थे तो मांगते ही थे, अब तो बड़े हो गए हो, अब तो योग्य बनो, अब तो काबिल बनो। क्यों इतना मांगना है तुम्हें? मांगना मत साहब। मुझे याद है आपके सामने ये जो दास अनिरुद्ध बैठा है ना, 17 साल का था मैं, 17 साल की उम्र से मैंने आखिरी बार पिताजी से मेला घूमने को पैसे मांगे थे। जब मैं 16 साल का था तो मेरे पिताजी ने 2 रुपए दिए थे। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार कितने पैसे दिए? सिर्फ 2 रुपए, मुझे अच्छे से याद है। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए केवल, जब मैं 16 साल का था। उसके बाद आज तक मैंने अपने पिता से 1 रुपए नहीं मांगा। मोबाइल की जरूरत पड़ी, गाड़ी की जरूरत पड़ी, घर की जरूरत पड़ी, जिस जिस चीज की जरूरत पड़ी तो पिता के सामने हाथ नहीं पसारा। मेहनत करके कमाने पर विश्वास करते हैं। अपने को काबिल बनाओ। पिता के टुकड़ों पर क्या पलना साहब? टुकड़ों पर यदि शेर भी सर्कस का हो तो टुकड़ों पर पलने वाला शेर भी कुत्ता कहलाता है। कुत्तों की जिंदगी है उसकी। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, बताओ कौन सा शेर बेहतर है? जोर से, सर्कस का शेर अच्छा है? सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है,
और टुकड़ों पर पलने वाला शेर नहीं होता, टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता होता है। यदि वो शेर भी टुकड़ों पर पल रहा है तो वो कुत्ते के जैसा है, हाँ या ना? तो जो अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं वो कुत्तों की तरह है। साहब जंगल का शेर बनो, भूखे रहना है तो रह लो, पर शिकार करेंगे तो अपनी काबिलियत के बल पर करेंगे, अपनी मेहनत का खाएंगे। हम किसका खाएंगे? अपनी मेहनत का, अपने टैलेंट के बल पर खाएंगे, अपनी काबिलियत की रोटियां खाएंगे, अपने पसीने की रोटियां खाएंगे। पिता का धर्म था पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा करना, उन्होंने कर दिया, अब आगे की जिम्मेदारी हमारी है। मैं जो कहता हूं पहले वो खुद करता हूं फिर कहता हूं। तो मैंने जीवन में जो किया वो मैंने आपसे कहा कि बाप के टुकड़ों पर मत पलना, यदि पलते हो तो कुत्ता से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी, कुत्ते से ज्यादा कोई औकात नहीं है तुम्हारी। नाम आपका हो और आपके नाम से आपके पिता का सम्मान बढ़े, तब तो पिता का भी गर्व से छाती फूलेगी कि मेरा बेटा कामयाब हो गया।